हेलो भाई, मैं पवार। अभी हम देखो कितनी प्यारी लोकेशन पे खड़े हुए हैं, एकदम मस्त यहाँ पे पहाड़ों के बीच। अभी हमारे पास पहाड़ों में खड़ा है भाई 1,20,00,000 रुपए का माल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड के अंदर, हम सबका एक एक करके देखेंगे, सारे को डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे पूरी पूरी कलेक्शन खड़ी हुई है, और 1,20,00,000 रुपए में क्या क्या आता है उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको गाड़ियां दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारी नजर में आती है, भाई आपका नंबर नहीं दिख रहा विकास भाई, बस उठ जाता है, 0303। कैसे हो विकास भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। जब हमने गाड़ी ऐसे करी थी ना कवर, तब इस पे मेरे ख्याल से नंबर नहीं था, तब इस पे आ गया 0303। इसका मतलब क्या है भाई? इसका नंबर, इस गाड़ी का नाम है टैंक, और इस नंबर का मतलब है 303 गोली। गोली? हाँ। अच्छा, बंदूक की गोली। बंदूक की गोली 303। ये भाई ने देखो कितनी मॉडिफाई करवा दी है भाई। कितने की कीमत है इसकी? 18 लाख के करीब पड़ी थी मेरे को ये गाड़ी। 18 लाख रुपए की गाड़ी है, भाई ने मॉडिफिकेशन रेंगलर बनवा दी है, मतलब ये है ना, मतलब थोड़ा मोड़ा देसी रेंगलर। और अगर जैसे उसकी बात करते मॉडिफिकेशन पे कितने लगा दिए, उसके ऊपर भी बात कर लेते भाई। भाई कैलकुलेट नहीं किया, बट इनिशियली जब कराई थी तो 2 लाख रुपए के आसपास लगाए थे। उसका टायर वायर बहुत सारी चीजें कराई, पीपीएफ वगैरह। 20 लाख रुपए मान ले क्या? हाँ मान लो 20, क्योंकि टोटल कर रहा है। अच्छा, 20 से ऊपर ही चली गई है ये, ऐसी दिखती है भाई की थार। और एक बार पीछे आइए विकास भाई, इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये चोरी होने से बचाता है आपके टायर को, इसका क्या प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ये देखो यहाँ से भी हाथ जा सकता है, ये इजीली खुल सकता है, कोई चोरी होने से नहीं बचाएगा। दो नट लगे हाथ से खुल जाएंगे, पतला हाथ चाहिए, मोटा आदमी चोरी नहीं कर पाएगा। मोटे आदमी से चोरी होने से बचाता है बस ये। अच्छा अच्छा, चोर तो शायद पतले ही होते हैं। हाँ बस पतले ही होते हैं, क्योंकि भाग दौड़ करना पड़ता है उनको। टायर्स भी आपने बदलवा दिया है ना? मैक्सिस के लगवा दिए भाई मैंने, मैक्सिस के लगवा दिए। तो इसमें फर्क लगा आपको पुराने वाले से? बहुत फर्क है। चलो 20 लाख रुपए की अपनी एक महिंद्रा थार हो गई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो पाठक भाई, अपने पलवल हरियाणा से कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सब पे भाई थोड़ा सा वीआईपी नंबर, सबने आजकल ट्रेंड चल रहा है नंबरों का, मतलब अब बंदे ऐसे सोचते हैं कि भाई 18 लाख रुपए खर्च करे तो 20,000 रुपए और सही। तो अपना हरियाणा में अपने को पड़ता है, कितने का पड़ा था ये नंबर आपको? मेरा वाला नंबर 25,000 का पड़ा था। तो भाई का नंबर मैं आपको दिखा दूं, ये भी है अपने पास महिंद्रा थार, जिसका नंबर है 430 पलवल। वाई रिप्रेजेंट करता है कौन सीरीज चल रही है, और 1008 का क्या मतलब है भाई? यार 1008 एक स्पिरिचुअल नंबर है, जैसे आप सुना होगा 108 और 1008। तो आप इसको गूगल करोगे ना तो हिंदुइज्म में जैनिज्म में ये नंबर आता है 1008। घर वालों ने बोला कि नहीं 1008 लेनी है, वो थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, हम भी करते हैं वैसे तो, बट वो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल है। तो हमने सोचा कि चलो उनके कहने पे फिर हमने 1008 लिया है, और हिंदुइज्म का नंबर है 1008। भाई बहुत क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे, कोई गोली चला रहा है 0303, और कोई यहाँ पे भाई धार्मिक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये दोनों ब्लैक कलर की है। आपने इतना क्रोम क्यों लगवाया ब्लैक कलर पे, बताओ? क्योंकि ये देखो थोड़ा ऑड सा नहीं लगता ब्लैक कलर के ऊपर? मेरे को ये लाइट वाला सही लगता है, मेरे को ऑड बताया कौन से वाला लगता है जो बैक साइड में लाइट पे लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ ना ये वाला बेकार लगता है मेरे को। ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इससे ना लाइट की लुक आती है, अगर ये ब्लैक रहता ना तो लाइट बहुत छोटी सी दिखाई देती है, ये थोड़ा ब्रॉड लुक देती है। बाकी ये वाला बेकार है, और हैंडल का बेकार लगता है। ये टेल लाइट का देखो भाई, इस तरीके का आता है, आप क्रोम भी लगवा सकते हो, आप चाहो तो फिर यहाँ पे ब्लैक वाला भी आता है। और आपको कितने की पड़ी थी ये बताइए भाई? ये पड़ी थी हमें 17 कुछ समथिंग के आसपास, 18 की मान लेना, और ऊपर से मॉडिफिकेशन वगैरह सबको एक्सेसरी वगैरह लगा के। ये आपकी मैनुअल है? ये मैनुअल है हमारी हार्ड टॉप ब्लैक, और ये भाई आपकी ऑटोमेटिक डीजल, दोनों ही आपने डीजल देखी, एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है। तो 40 लाख रुपए तो भाई इनके मोटे मोटे आप मान सकते हो इनका है। और अभी तक बढ़िया लगी भाई थार चलाने में? ये थार बहुत बढ़िया है, मतलब मैं स्कॉर्पियो चला रहा था उससे पहले, तो 4x4 में ना आने का मजा ही अलग है, इसलिए हम यहाँ आ पाए, नहीं तो स्कॉर्पियो लेके कहीं आते हम? नहीं नहीं, मतलब आ जाती है ना भाई, देखो इससे ऊपर भी जाना है, अभी सेकंड लेवल पे भी जाना है हमें। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन है। कहाँ पे पड़ती है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये पानीकोट लेक बोलते हैं वैसे इसको, और ये अपना BSC अनगपुरिया के पास है, हरियाणा में ही ना हम लोग। अच्छा ये हो गई भाई दूसरी थार, एक थार दूसरी थार। अब बढ़ते हैं तीसरी गाड़ी की तरफ। तो ये भाई जी तैयार हैं भाई, आपका नाम बताइए? मेरा नाम करण। करण भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ? बस हम भी बढ़िया भाई। दो डीजल देखने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे पेट्रोल वाली थार एम स्टैलियन। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, माइलेज कितने की देती है भाई ये? माइलेज 9.4। 9.4 की दे देती है? मैंने 5,500 किलोमीटर चला दी है। और कितने टाइम में? ये हो गए 6 महीने हो गए। कितने की पड़ी आपको ये भाई? मेरे को सब नंबर मिला के वही 17.5-18 के आसपास की पड़ गई। इस पे नंबर अगर आप देखते हो तो ये है 4567। शायद आपको एक नजर में VIP सा ना लगे, पर ये ले रखा है आपने चॉइस का ना? हाँ, चॉइस का नंबर है। अच्छा ये हो गए तीन थार भाई, 60 लाख रुपए अपने पूरे हुए। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी के पास, जो है विक्रम मलिक भाई की। विक्रम मलिक भाई कैसे हो आप बताओ? भाई बहुत बढ़िया। अच्छा भाई देखो, ये हमने देख ली, एक हो गई अपनी ऑटोमेटिक, फिर होगी मैनुअल, फिर अपनी होगी पेट्रोल, और अब इस पे आ गए हम। ये है सारी तीनों हार्ड टॉप थी भाई, ये अब आ गई अपनी सॉफ्ट टॉप। सॉफ्ट टॉप लेने का क्या रीजन था भाई विक्रम भाई? भाई खोल के मजा आपको तो पता है, कहीं जैसे पहाड़ों पे जा रहे हैं तो खोल दी तो उसका मजा ही अलग। एक तरह से सबसे सस्ती कन्वर्टेबल कार है।
तो ऐसे एरिया में आए हो, मान लो आप अब इससे ज्यादा अच्छी जगह कहाँ ही जाओगे, मतलब अगर आपको ऐसा एक दो दिन के लिए जाना है, ऐसा थोड़ी टाइम के लिए, तो अब तो आपने नहीं खोली भाई। चलो आपने बोल दिया तो खोल देंगे। चलो रहने दो भाई, देखो गर्मी कितनी बुरी पड़ रही है, इसमें आप खोल सकते हो इसको? नहीं, गर्मी में तो मतलब ही नहीं भाइयों। आप बताइए, मतलब ये कन्वर्टिबल आपको प्रैक्टिकल लगता है जो बाकी तीन हार्ड टॉप वाले हैं? मेरे प्रेफरेंस में नहीं रहता, अगर मेरे को मिलती तब भी मैं नहीं लेता शायद, क्योंकि मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं है। और पाठक भाई आपका क्या विचार है? मैंने हार्ड टॉप ली इस वजह से थी कि अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आपका सामान सिक्योर नहीं रहता यार इसमें कन्वर्टिबल वाले में। अब इनको कैसे आप डिफेंड करोगे भाई? बात तो ठीक है ना इनकी, कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं इन्होंने। ये भी है भाई, ये भी आपकी टॉप मॉडल है ना, सॉफ्ट टॉप में। ये कितने की पड़ी थी भाई? ये 2020 में 15,72,000 की पड़ी थी। 15,72,000 ज़्यादा, अच्छा ये तो थोड़ी सस्ती आ गई ना, क्योंकि आपने पहले ही ले ली थी 2020 में। और ये भाई आप ना थार समझने की गलती मत करना इसको, क्योंकि ये आपकी जीप, तो ये कहाँ से बाहर से लगवाया कहीं से? हाँ ये जीप के शोरूम से ही लिया था मैंने, एक तरह से बाहर से ही है। जीप के शोरूम वाले दे देते हैं इसे अपना लोगो? हाँ दे देते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी जीप बनाने में भाई? अच्छा इसमें सबसे बढ़िया बम्पर तो देखो भाई का ही लगता है, लोहे का है अपना प्रॉपर। आप कैसे भी इस पे खड़े हो जाओ, देखना भाई कितने खड़े हो जाओ टूटेगा नहीं, कितना बढ़िया बम्पर है। ये देखो भाई ये 15,00,000 रुपए की है। अरे भाई मैंने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा ये चौथी थार थी भाई, थार देख रहे हो आप कितनी फेमस गाड़ी है आज की तारीख में, थार से आपको सब कुछ नीचे ही दिखेगा, थार ही ज्यादा बिकती है। अच्छा चलो पांचवी पे चलते हैं जो है HR 30/1144, ये इसके ओनर है। कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप नीचे आ सकते हो भाई। आपको थोड़ी हाथ मिलाई पहले। आपको थोड़ी डिफरेंस ही नजर आ रही है भाई, ये भी गैलेक्सी ग्रे है, ये भी गैलेक्सी ग्रे है। अभी आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ब्लैक सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही तीन आज ये ब्लैक कलर में महिंद्रा थार खड़ी हुई है। नेपोली ब्लैक इसका कलर है और ये गैलेक्सी ग्रे दोनों के दोनों। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो क्योंकि ये थोड़ा मैट हो रखा है और ये अपना ग्लोसी। तो भाई जी आपने मैट क्यों करवाया? भाई वो अच्छा लगने के लिए कराया था, अच्छा लगता है वो। अच्छा ये आपकी डीजल है? हाँ डीजल ऑटोमेटिक। ये भी मेरे ख्याल से आपने उसमें ही लिया ना, मतलब 24 नंबर लिया है? हाँ 24 नंबर लिया था, ये हमने 20,000 का नंबर लिया था तो टोटल ये हमको 22,000 रुपए का पड़ा था ये नंबर। ये हमारी जो पहली गाड़ी है उसका 1143 नंबर है। 1143? हाँ। अच्छा तो इसका हमने 1144 ले लिया फिर। अच्छा लगता है ना ऐसे 1144, ऐसे VIP सा भी लगता है और एक सीरीज भी बन जाती है। अच्छा इसलिए। और भाई ये क्या आपने लिखवा लिया, ये भी आपने जीप की तरह कहीं से बाहर से लिया था क्या? हाँ भाई ये हमने बाहर से लगवाया था, जब हमने मैट कराया था तो उसी टाइम हमने इसको लगवा लिया था। नहीं मेरे ख्याल से शायद वो महिंद्रा में से काट के लिखा गया। हाँ शायद आप कह सकते हो ऐसा। मुझे लगता है ये एम का हो गया और ये डबल महिंद्रा में आता ही है और ये एच का बनाया है शायद। भाई आपको कुछ पता वता है अपनी कार का, आप रियल ओनर हो ना इसके? रियल ओनर हो इसमें। ये भाई डीजल ऑटोमेटिक है, ये 5वें नंबर की थार है। इसकी बात करते हैं तो ये कुछ 18,00,000 के लगभग पड़ी है, अगर पीपे वगैरह जोड़ दे 50,000-1,000 रुपए की और एसेसरी वगैरह जोड़ दे तो वो 19 के लगभग बैठ जाएगी। 3,663 किलोमीटर चल गई है और अभी ये थार जो हमारी इसमें फंस गई थी। अच्छा हम इसको 2H में लेकर आ रहे थे तो ये फंस गई थी, इसलिए मेरे को ये 4H में लगानी पड़ी। अच्छा यहाँ पे आने के लिए भी ये नदी सी क्रॉस करने के लिए इसको 4H की रिक्वायरमेंट आ गई। इसमें ना कुछ पत्थर आ गए थे स्लिपरी, क्योंकि इस पे काई जमी हुई है ना तो टायर स्लिप करने लग गए थे। फ्रंट व्हील ड्राइव है ना इसलिए। मारो मुझे। इसलिए फिर मेरे को चारों टायर में जान देनी। अरे ये सब छोड़ो भाई, आप 1 करोड़ पूरे हो गए, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भाई, मेरा भी योगदान है भाई इसमें। भाई देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया 18 18 18 सबका जोड़ दे तो भाई अपना 1 करोड़ का माल हो गया है। हम आपके पास ही आने वाले थे भाई, हम खुद ही फ्रेम में हम नहीं थके, लेकिन लोग शायद थार देख देख के पक गए हैं भाई। ये कितनी थार है बताओ इनके पास, पांच कुछ आंखों में अच्छा लगने वाला लाल कुछ चाहिए। हाँ ये कुछ काला वाला सा ज्यादा हो गया, कुछ वाइब्रेंट कुछ ब्राइट रहना चाहिए, क्यों मोनू भाई? तो अब मैं आपको बिलवा देता हूँ मोनू भाई की XUV 700 से। मैं बता रहा हूँ 24 नंबर का तो भाई सबसे वो चल ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो VIP नंबर है यहाँ पे वो केवल इसी XUV 700 पे है, जिसका नंबर है 0078। तो मोनू भाई ये कितने का पड़ा आपको? और सबसे सस्ता यही नंबर है, सबसे VIP ये है और सबसे सस्ता भी है, ये कितने का भाई? इसके दे दो मैंने 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, वाओ कांग्रेचुलेशंस भाई। इतना डिस्काउंट मिला था? इतना उसको डिस्काउंट मिला था? कितना? 30% का डिस्काउंट मिला था। 30%, तो कितना मतलब कितना रहता है? इतनी मैं आप बनी आदमी आपको ज्यादा 3,500 रुपए का आपका नंबर पड़ा। कुछ टिप्स बताओ भाई इतना अच्छा डबल डिजिट में लेने का, क्योंकि ये तो 50,000 का पड़ता है, आपने कैसे 3,500 रुपए का ले लिया? लक्की बात है, जिस दिन लॉन्च हुआ था नंबर, जिस दिन आया था ये, उसी दिन मैंने फाइल लगा दी थी। अच्छा
तो वहाँ एक भैया थे तो बस लग गया, लगवा दिया। आप 07 00 क्यों नहीं लिया आपने, 07 00 कितना तगड़ा टाइम लग रहा था, वेट वो टाइम मांग रहे थे, कह रहा बेबी ये नंबर सीरीज आई है ना तो उसमें 15-20 दिन का लग सकता है, टाइम लगेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं भाई, इन सब गाड़ियों में जितनी भी अभी तक आपने 5 थार देखी है, सबसे ज्यादा महंगी आपकी XUV700 ही है। इसकी कीमत बताइए भाई। भैया ये है 22 की, 22 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 22 लाख की ये थी है ना, क्योंकि आपने फर्स्ट डे बुक करवा दी थी, अब तो और रेट बढ़ गया, 24-25 लाख की आपको पड़ती है। ये आपकी 1.7 लग्जरी पैक ही नहीं है, ये पेट्रोल है और आपकी मैनुअल में है। ये मैं आपको इंटीरियर से एक बार दिखाता हूँ, सबसे ज्यादा लग्जरी ओवर करती है। पेट्रोल ही क्यों ली, डीजल क्यों नहीं ली, क्योंकि जैसे ये दमदार गाड़ी है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप डीजल इंजन लेते तो ऐसी जगहों में बिल्कुल ऐसे आराम से निकल चली जाती है। वो बात आपकी ठीक है भैया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, मेरे को ना इतनी चलानी नहीं थी, थोड़ी कम चलनी थी, गाड़ी और भी है ना घर में। अच्छा। तो मैंने सोचा था इसको सिर्फ एक नॉर्मल अपने हाईवे के लिए नॉर्मल कहीं जाना तो लेके जाऊंगा। अरे भाई यहाँ से आ गई और क्या चाहिए भाई, मतलब जहाँ पे 4x4 आई है यहाँ पे सारी सारी, वहाँ पे XUV700 खड़ी है तो और क्या चाहिए। 4x4 अरुण भाई की फंस गई अभी और वहाँ हमारी निकल गई, बताओ और क्या चाहिए। वो थोड़ा सा इधर रियर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, थोड़ा सा जान लगा, ये कोई एक्सट्रीम थोड़ी ना ये भाई, क्या देखना कुछ है कोई, अरे टायर के निशान तो बने हुए हैं। अब आप पीछे कैसे लेके जाओगे इसको ये बताइए आप, यहाँ पे पूरा सब कुछ खत्म है भाई, यहाँ पे भिच्ची तो हमने खड़ी कर रखी है, यहाँ पे रिवर्स जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इन 1,20,00,000 के माल को। पानी अंदर जा रहा। क्या प्रेफर करते हो, लोग ऐसे 1,20,00,000 की एक ही गाड़ी लें या फिर हमारी तरह 6-6 गाड़ियां खड़ी करें? हमारी तरह 6-6 गाड़ी लें है ना, हम घर पे खड़ी 6-6 खड़ी। अब जैसे जैसे लोग ऐसे लग्जरी उसमें जाते हैं, जैसे लग्जरी में जाएंगे तो वो फर्क पड़ता है ना, जैसे तू वो रोड पे वो रोड का फील आएगा ना, लेकिन ऐसे थोड़ी की मतलब 5 सेम गाड़ियां खड़ी कर लो, अलग अलग करो ना, अगर किसी एक बंदे को लेनी है मार्केट में इतने ऑप्शन, ये भी है यार गाड़ियों में बहुत थोड़ी कमी है अभी, ऑप्शन है भाई, धीरे 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 बढ़ रही है भाई। एक थार ले लेगा, एक हैरियर ले लेगा और क्या लेगा, बिल्कुल सही बात एक है। हेक्टर ले लेगा, हेक्टर हैरियर सेम हो गई, 700 सेम हो गई, क्या लोगे फिर। जैसे तीन गाड़ियां भाई, जैसे तीन फेमस गाड़ियां हैं, सफारी हैरियर हेक्टर और आपके ये जीप कंपास, सब में सेम ही तो इंजन आ रहा है, तो बंदा वहीं पे वो हो जाता है। फिर क्रेटा और सेल्टोस की बात कर लो, उसमें भी सेम इंजन आ रहा है, ये तो लॉजिकल बात है भाई। बाकी एक बार ऊपर से व्यू देख लो भाई, इसमें किसी में भी सनरूफ नहीं मिलती इसमें, हालांकि सॉफ्ट टॉप वाली में सबसे बड़ी सनरूफ है, मतलब इसको खोल लो तो पूरी की पूरी रूफ ही नहीं है फिर तो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली 700 के अंदर फीचर्स के साथ साथ कैपेबिलिटीज भी हैं भाई, मतलब हम तो है मान गए। यहाँ पे जहाँ पे थार आपकी सारी खड़ी है, यहाँ पे एक्चुअली 700 भी आके खड़ी हो गई है ना, जो इन 5 थारों में चीज नहीं है ना वो अकेली उसमें है भाई, बहुत कुछ है यार उसमें अलग करती है जो, क्योंकि ये आप देख रहे हो एरिया, यहाँ से कुछ जा ही नहीं सकता और यहाँ पे XUV 700 का आना, जैसा ये देसी गाड़ी है अंदर से है ना, और वो कितनी लग्जरी गाड़ी है, कितनी प्रीमियम गाड़ी लगती है, कंफर्टेबल भी काफी है और अपना बंदा सबसे मेन बात पीछे वाले कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। Exactly. तो ये भाई अपना माल 1,20,00,000 रुपए का आपको कलेक्शन कैसा लगा, ये 4-5 महिंद्रा थार और एक XUV700 का आप कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।